2 kg का है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 2 kg का बॉल है, ठीक है, 2 kg का बॉल है, और एक है 4 kg ड्रॉप फ्रॉम ए 60 feet टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, समझना इस पर, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने गिराया है, एक बार 2 kg का गिराया, एक बार 4 kg का गिराया नीचे, समझ में आ रहा है। इस बिल्डिंग से मैंने एक 2 kg का बॉल गिराया, एक 4 kg का बॉल गिराया, बराबर है भाई, ठीक है। अब कहता है कुछ टाइम बाद ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली गिराने के बाद ये नीचे ही आएगा, 30 मीटर तक, ये 30 फीट तक नीचे आ गया, यहाँ पर दोनों बॉल यहाँ पर है, ठीक है। तो देयर काइनेटिक एनर्जी, जब वो यहाँ पर हैं तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो पहले वाले के पास काइनेटिक एनर्जी E2 है, और दूसरे वाले के पास मैं E1 मान लेता हूँ, E1 E2 मान लेता हूँ, तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है। पहले वाले की वेलोसिटी यहाँ पर V1 होगी, और दूसरे वाले की वेलोसिटी मैं V2 मान लेता हूँ। अब देखो हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दिखेगी वी स्क्वायर, भी यहाँ पर जो वेलोसिटी दिखेगी वी इज इक्वल टू 2 gh, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, V1 बराबर होगा V2 के, क्योंकि इन दोनों का हाइट सेम है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ से मैंने गिराया, और इन दोनों इस पॉइंट पर उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि हाइट सेम है, जी अंडर द ग्रेविटी है, मास पे डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब क्या करना, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मास अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर दो। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1V1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हाफ M2V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ने हाफ को खत्म कर दिया, B1 ने B1 को, तो M1 अपॉन M2 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है, 2/4 मतलब 1/2, दैट इज सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट।